हेलो गाइस, स्वागत है अपने दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के 9RT के बारे। तो दोस्तों साथ ही साथ वन प्लस की बड्स Z2 भी बहुत ही जल्द दोस्तों मतलब नेक्स्ट मंथ बेसिकली लॉन्च हो रही है। तो वन प्लस 9RT जो है दोस्तों वो आपको अगले मंथ में देखने को मिल जाएगा वन प्लस की तरफ से आते हुआ। एंड क्या कुछ लेके आ रहा है एंड क्या प्राइसेस वगैरह होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर होगा, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। एंड इसके साथ के साथ दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमराज वगैरह देखने को मिलेंगे। 120 हर्ट्ज की एमोलेड स्क्रीन होगी गाइस। एंड अगर मैं 9RT की बात करता हूँ दोस्तों, चाइना में पिछले ही मंथ दोस्तों लॉन्च हुआ है। अभी जो चांसेस वगैरह हैं गाइस वो नेक्स्ट मंथ के आ रहे हैं। साथ ही के साथ दोस्तों वन प्लस 9RT की जो बेस्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, वो आपको 40,000 के अंदर में माइट भी से देखने को मिलेगा। एंड ये लीक्स वगैरह आए हैं बेसिकली 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 16 MP का वाइड एंगल लेंस एंड 2 MP का मैक्रो शूटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही के साथ दोस्तों 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा, 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 65W की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको वन प्लस के 9RT में देखने को मिलेगी। इसके साथ के साथ दोस्तों वन प्लस अपने बड Z2 को भी लॉन्च करा है, जिसमें 5.2 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। एंड इसके भी जो दोस्तों अभी लीक्स वगैरह रेंडर्स वगैरह कुछ भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, बट 9RT जो है वो काफ़ी टाइम पहले से दोस्तों आने वाला था। एंड टिपिंग के अकॉर्डिंग गाइज कि ये जो फ़ोन होने वाले ये दिसंबर में लॉन्च होगा, ये हमें अब पता चल चुका है। एंड इसकी जो प्राइस आने वाली है वो 40,000 तक में होने वाली है। एंड अभी इस प्राइस के अकॉर्डिंग 37 to 38 तक में वन प्लस 9R आ रहा था, तो 9R की प्राइसिंग अब से जाके दोस्तों 35 के नीचे नीचे हो जाएगी। 9RT उसके पहले अभी आ रहा है, तो 40,000 तक में माइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर आप वन प्लस 9R की बात करते हैं, 9RT की बात करते हैं सॉरी, तो 9RT में दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि इसमें हैसलब्लेड लेंस आपको देखने को मिलेगा या नहीं, लेकिन माइट भी दोस्तों चांसेस नहीं है, क्योंकि 40,000 के नीचे में आपको एक बढ़िया प्रोसेसर मिल जा रहा है एंड वन प्लस का कैमरा वगैरह भी अच्छा मिल जा रहा है। इसके अलावा आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी इसमें, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों माइट भी जो नेक्स्ट मंथ के लिए अगर आप वेट करो कोई नया फ़ोन लेने के लिए 40,000 के अंदर में, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन दोस्तों सामने आ रहा है। आज की वीडियो करते हैं बट आई होप आपको अच्छी लगे दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।